यंग टीम इंडिया ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की मेन स्ट्रेंथ टीम को हराया 4-1 से, उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया तो भाईजान स्पेशली शॉक्ड हो चुका है। मतलब पाकिस्तानी लोग ये एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे इंडिया की ये यंग साइड इस तरह की परफॉर्मेंस देगी। कहीं ना कहीं जालिम वेकअप कॉल मिली है और इससे ये भी पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया को कि इनके यंगस्टर्स वर्सेस भारतीय यंगस्टर्स में अब बहुत फर्क पड़ गया है। 4-1 से बैम्बूजल कर दिया। अब कुछ लोग या तो उसी मैच को रोते रहो भाई जिसको रो रहे हो, या कुछ लोग ये समझ लो कि वर्ल्ड T20 करीब आ रहा है उसमें इंडिया अपने प्रीमियर बॉलर्स के अलावा कहाँ खड़ा है। इंडिया शुड बी हैप्पी भाई बिकॉज दे रैप्ड अप द सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया टुडे बाय 4-1 और 4-1 का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन होता है भाई, कोई कम नहीं होता। और आज बेंगलुरु में फाइनली जी कैसे कहते हैं अपना हरदीप सिंह ने एक अच्छा फाइनल ओवर कराया। अक्षर पटेल ने एक दफा फिर बताया कि भाई साहब गलती कर रहे हो, मुझे T20 की टीम भी नहीं लेके आपने रविंद्र जडेजा को गलत लिया हुआ उधर, क्योंकि इस पूरी सीरीज में अंडर 4 की इकोनॉमी के ऊपर अक्षर पटेल ने ऑपरेट किया। हालांकि एक नया लीडर, नया यंगस्टर्स का एक बैच इंट्रोड्यूस किया गया, और होता क्या है कि जब इस तरह के इसी एज ग्रुप के प्लेयर्स आपस में खेल रहे होते हैं और ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं, सो एक तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है और दूसरा खौफ आपके ज़हन से निकल जाता है। आवाज लगा दे एडन, बेटा देख लो जरा एडन, सूर्या का, सूर्या को याद करा दे, सूर्या याद कर लो, देख लो ये T20 निकल तू बाहर एडन। इंडिया से सीखो कि रिंकू सिंह किस तरह बनाया जाता है, रवि बिश्नोई किस तरह बनाया जाता है। ओ बेटा कफ नहीं है आपके पास। मुकेश कुमार ने सही प्रॉमिस शो किया सीरीज के अंदर, आज जो उसने एक ओवर में 5 रन देके 2 विकेट लिए ना, एक्चुअली शिफ्ट मोमेंटम पूरा वहां से है। मैं दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आखिर टेस्ट में हरा कर 4-1 से ये सीरीज जीत लिया है। और अगर कल की बात की जाए तो एक 3 गेम हमको देखने को मिला। हालांकि लोग यह कह रहे हैं कि अर्शदीप सिंह की लास्ट ने हमें जिता दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वही अर्शदीप सिंह पूरे अपने पहले 3 ओवर में मार खा रहे थे। और इसके साथ साथ अवेश खान जो अपने उन्हीं ओवर में 3 चौके दे दिए, मैथ्यू वेट को नेसेसरी उसके वजह से 10 रन बच गया, नहीं तो वो 14-15 रन या 16 रन तक बच जाता। इसको लेकर रमीज राजा ने पाकिस्तान मीडिया टीम इंडिया की जमकर तारीफ की। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। और अगर सच मानों में पूछा जाए तो अर्शदीप सिंह पर इस मैच में काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन आखिरी ओवर में ऐसा लगा कि ये अपने सारे इस मैच के गुनाह धो देंगे और उन्होंने धो दिए। सीरियस अय्यर, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, अगर मुझसे पूछे एक मैच 40 ओवर का होता है तो इस 40 ओवर के मैच में अगर मैं मैन ऑफ द मैच किसी को निकालूंगा तो ना वो अय्यर होंगे, इसका मतलब नहीं वो अच्छा नहीं खेले, कमाल खेले, ना वो कोई और होगा, वो होगा अक्षर पटेल। अगेन 31/140 के स्ट्राइक रेट से ऑन दिस विकेट, जहां 160 ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक बल्लेबाजी से चेज नहीं हुआ। उसके बाद अगेन 4 ओवर 13-14 रन 1 विकेट। अक्षर ने अगेन फिंगर स्पिनर होने के बावजूद इतने थोड़े से रन दिए हैं, तो भाई आप देख सकते हैं कि अक्षर पटेल तो जिस दिन से रविंद्र जडेजा को अनाउंस किया नाइट कप्तान साउथ अफ्रीका में T20 का, उस दिन से बैक टू बैक 2 मैचों में अक्षर पटेल अपनी टीम के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन में सबसे अहम मोहरा साबित हुए। बर्बाद कर दिया, 4-1 से बैम्बूजल कर दिया। अब कुछ लोग या तो उसी मैच को रोते रहो भाई जिसको रो रहे हो, या कुछ लोग ये समझ लो कि वर्ल्ड T20 करीब आ रहा है उसमें इंडिया अपने प्रीमियर बॉलर्स के अलावा कहाँ खड़ा है। वो वाले देश का मुकेश जिसको कहा जा रहा है, यानी कि मुकेश कुमार, यानी कि मुकेश स्टार्क नहीं है, मुकेश शार्क है, ठीक है। और टाइमली बड़ी विकेट ली इसने, खासतौर पर 2 बड़ी अहम विकेट इसकी जो 2 बॉलों के ऊपर आई, वो था मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया को गिराने का। मगर व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय बॉलिंग बिश्नोई, अक्षर पटेल, अर्शदीप, मुकेश, मतलब आवेश, आवेश ने भी अपनी दी है यकीनन, मगर ये कि आवेश भी बड़ा जबरदस्त बॉलिंग में रहा, तो ये बॉलिंग से ही डिपेंड हो सकता था। आवाज लगा दे एडन, बेटा देख लो जरा एडन, सूर्या का, सूर्या को याद करा दे, सूर्या याद कर लो, देख लो ये T20 निकल तू बाहर एडन, तुम्हारी ऐसी की दादी साले, मैं सूर्या पे बात कर रहा था, तू अबे वनडे छोड़ T20 में बता सूर्या, तुम अपने वाले बाप भाई बहनों ताया फूफा खाला को क्यों याद नहीं करते, तुम्हें दूसरा ही क्यों याद आता है, सारे मंजन तुम्हें दूसरी कढ़ाई में क्यों निकालने होते हैं, अपने लोगों को जरा टीम ने पिटाई तभी हमसे खाई हुई थी, मैं एक ओवर पे आखिरी ओवर पे शादियाने नहीं बजाऊंगा। मैथ्यू वेड बहुत ही नीचे वाला खिलाड़ी है मेरी नजर में, लेकिन अर्शदीप को भी यह देखना होगा कि अगर टीम इंडिया 1 अरब 40 करोड़ के मुल्क में अगर यार तुम्हारी सलाहियतों पर बैक किया जा रहा है तो यू हैव टू डू इट फॉर योर कंट्री यार, राइट फ्रॉम द आउटसेट तुमने नए बॉल से पहले रन दिए, सूर्या ने तुम्हें हटाया इसीलिए सूर्या की कप्तानी, क्या अर्शदीप अगर पहले ओवर में स्विंग हासिल नहीं करता, ये है वो सूर्या का दिमाग, सुन ले वे टकले एडन, ये है सूर्या का दिमाग। श्रेयस अय्यर के जो 10-12 रन है ना आखिरी ओवर के अंदर, वो बड़े अहम है, बड़े अहम है, उन्हीं रन पे आपने लड़ाई की है। यंग टीम इंडिया ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की मेन स्ट्रेंथ टीम को हराया 4-1 से, उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया तो भाईजान स्पेशली शॉक्ड हो चुका है। मतलब पाकिस्तानी लोग ये एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे इंडिया की ये यंग साइड इस तरह की परफॉर्मेंस देगी। थोड़ा सा लर्न करो BCCI से कि किस तरह यंगस्टर्स को एक बड़ी टीम के आगे मौका देते हैं और उनके यंगस्टर्स फिर परफॉर्म करते हैं। अर्शदीप सिंह ने
10 रन बचा लिए हैं मैथ्यू वेट के सामने, जबकि शहीद शाह अफरीदी 2021 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मैथ्यू वेट के सामने 18 रन नहीं था बचा सका, 18 रन तीन बालों पे तीन छक्के खा के शहीद अफरीदी ने लगवा दिए थे। अर्शदीप ने मैथ्यू वेट के सामने 10 रन बचा लिए हैं, तो कौन बड़ा बॉलर हुआ फिर, कौन बड़ा बॉलर हुआ? अर्शदीप सिंह। देखो रन सारे करते हैं, आउट सारे करते हैं, काउंट कौन से होते हैं? जो टीम के काम आए, जो जिस तरह सरयाज अय्यर ने आज रन किए हैं टीम जीती है, ठीक है। अर्शदीप ने 37 खाए हुए थे तीन ओवरों में, लेकिन उसने आखिरी ओवर में आकर जिस तरह का ओवर किया उसके बाद उसने सब कुछ खत्म कर दिया और अपना नाम इधर से उधर ले गया। इंडिया की इस यंग साइड ने ऑस्ट्रेलिया को मतलब जलील इतना कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया वाले सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हमें इस टीम के साथ तो हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते, क्योंकि उधर तो भाई अबू भी होगा ना सीरीज में। रिंकू सिंह जैसे अभी यंगस्टर ने ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ट्रेविस हेड को मतलब मजबूर कर दिया कि आप लोग अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलो, कितनी अच्छी बात है। उनको 4-1 से हराना और इतना डोमिनेट करना उनके ऊपर, शुएब अख्तर ने बोला कि टीम इंडिया ने इस सीरीज में बहुत ज्यादा हीरे प्रोड्यूस किए हैं। रिंकू सिंह T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, ऋतुराज गायकवाड़ T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, सरयाज अय्यर उसने आज रन किए हैं, उसने बता दिया कि भाई ये विकेट मेरे काम की थी, मैंने रन किए हैं। सूर्या कुमार यादव की कप्तानी का बड़ा ज्यादा प्रेज किया जा रहा है भाईजान, पाकिस्तान एक्स क्रिकेटर कर रहे हैं कि सूर्या कुमार यादव कम से कम बाबर आजम से बेहतर कप्तान भी निकला है। तो कहने का मकसद ये है कि अपनी क्रिकेट को बेहतर करो, इंडिया से सीखो, इंडिया से सीखो कि रिंकू सिंह किस तरह बनाया जाता है, रवि बिश्नोई किस तरह बनाया जाता है, मुकेश कुमार ने जो ओवर किया आज, दो एक ओवर में दो विकेट लिए हैं, पाकिस्तान के पास इस तरह का बॉलर? ओ बेटा कख नहीं है आपके पास, हमारी मेन टीम में फिनिशर नहीं है। उनकी मेन टीम में पता क्या फिनिशर है? हार्दिक पांड्या आता है, उनको जितेश शर्मा भी मिल गया, उनको रिंकू सिंह भी मिल गया, तांडे को किए छणगणा घंटा जो हर जगह पे जाके बजता है और बजवा के हम आ जाते हैं। इंडिया शुड बी हैप्पी भाई बिकॉज दे रैप्ड अप द सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया टुडे बाय 4-1 और 4-1 का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन होता है भाई, कोई कम नहीं होता। और आज बेंगलुरु में फाइनली जी कैसे कहते हैं अपना हरदीप सिंह ने एक अच्छा फाइनल ओवर कराया और इंडिया को मैच जिता दिया। ही रियली बोल्ड अ वेरी गुड लास्ट ओवर, बट आई वांट गिव हरदीप सिंह द ओनली व्हाट यू कॉल इट क्रेडिट फॉर दिस विक्ट्री, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था जी, 160 सिर्फ किए थे इंडिया ने और 6 रन से फिर वो मैच जीते। आई थिंक जो मुकेश कुमार के आखिरी दो ओवर थे जो 19th ओवर उसने कराया खास करके, दैट वॉज वेरी क्रूशियल एंड ही रियली बोल्ड वेल। मुकेश कुमार इज अनदर वेरी गुड फाइंड फॉर इंडिया। और मुकेश कुमार मुझे थोड़ा सा ये जो है ना वो लगता है कि कोई इतना मतलब वेरी अनअज्यूमिंग सॉर्ट ऑफ बॉलर, कोई फ्लैशी नहीं कुछ नहीं, लेकिन ये कि अपना मतलब एक वर्क हॉर्स है, जो काम आप दोगे वो अपना काम करेगा। ही लाइक एवरी अदर बॉलर दीज डेज इन वाइट बॉल क्रिकेट ही हैज हिज बैड डेज, बट जनरली ही इज अ वेरी गुड बॉलर यार, और अच्छा एक्यूरेट बॉलर है। ब्रेक थ्रू भी आज उसी ने किया, मतलब फिलिपे को उसने आउट किया, लेकिन ही रियली बोल्ड टू ओवर्स वर वेरी गुड बाय हिम द लास्ट टू ओवर्स। और फिर उसके बाद जो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि कैसे बोलते हैं अपने दोनों इंडियन स्पिनर्स, रवि बिश्नोई टू मी वॉज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फॉर दिस फॉर इंडिया इन दिस सीरीज विद रिंकू सिंह, क्योंकि बहुत शानदार उस बच्चे ने बॉलिंग की है यार। मतलब पहले मैच में जिस तरह उसको मार पड़ी थी, जिस तरह से उसको जॉश इंग्लिश ने मारा था जब उसने सेंचुरी की थी, उसके बाद से जिस तरह उस बंदे ने रिकवर किया है, और खास करके स्पेशली इवन व्हेन सूर्य कुमार यादव गेव हिम कॉल्ड हिम अप टू बॉल इन द पावर प्ले एंड ही रिस्पॉन्डेड, बल्कि इन द लास्ट 4 मैचेस he has got wicket in his first over, every time he came on to ball he got a wicket, so that just speaks volumes of his temperament. Akshar was very good today, aur Akshar to me was the man of the match in the sense ke matlab usne runs bhi bade crucial kiye aur usne spell bhi bahut zabardast sirf 14 run deke matlab wicket li, to both the spinners really bowled well and generally bowling achhi, lekin I was a bit surprised kyunki Rinku Singh wo player mujhe ab tak jo mujhe uski achhi khoobi yahi nazar aayi hai ki wo bada deep leke jata hai innings ko aur usko tarika aata hai matlab calculate karke khelne ka, wo kaam aaj Shreyas ne kiya aur Shreyas ka आज 50 करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे टीम इंडिया की जीत पर पूरी पाकिस्तान मीडिया टीम इंडिया की तारीफ कर रहा है, श्रेयस अय्यर 2 मैच में खेले लेकिन श्रेयस को इतना भी सीरियन नहीं कहा जा सकता, और अगर देखा जाए तो श्रेयस अय्यर ने भी कल एक अच्छा पारी खेलकर यह भरोसा दिलाया कि मेरे को भी अपना मिडिल ऑर्डर में शामिल कर सकते हो, और जिस तरीके से एक अच्छी इनिंग्स प्रदर्शन करके दिखाया अक्षर पटेल ने बॉलिंग बैटिंग में, उन्होंने ये भी दिखाया कि मुझे आप साउथ अफ्रीका के जो स्क्वाड में शामिल नहीं करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप जाडेजा को टीम के उपकप्तान बना रहे हो, मुझे भी शामिल कर लेते। और इसके साथ रवि मिश्रा ने भी दिखाया कि जितना मैं मार खाऊं लेकिन मैं आपको विकेट लेकर जीत दिलाकर दिखाऊंगा।
और इसके बाद मुकेश कुमार ने तो पूरी सीरीज में अच्छी बॉलिंग करके दिखाया और उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।